तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में। कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार अपडेट में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, फिर हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। गिरावट के बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 1% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक में 54.67 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस रहेगा। लास्ट टाइम इसी लेवल से स्टॉक ने यहाँ पर एक यहाँ पर बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली थी। अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस लेवल को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर स्टॉक यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 61.75, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 70.85, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 84.95 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे नेक्स्ट टाइप ऑफ रजिस्टेंस वही यहाँ से अगर इस लेवल से स्टॉक में अगेन यहाँ पर गिरावट आती है तो यहाँ से अब अगेन गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 49.55 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 42.90, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 37.20 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।